जी वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेटीज। बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस रमज़ान आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम एक कटोरी, मैंने मैदा ऐड कर दिया है इसके अंदर, और एक कटोरी इसके अंदर गेहूँ का आटा ऐड करेंगे हम। आप सिर्फ गेहूँ का आटा भी दे सकते हैं। चलिए, अब इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम आटे को, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं, और थोड़ा सा ऑयल डालकर पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। और हमें अच्छे से बन जाना चाहिए आटा, हमें इतना ऑयल डालना है इसके अंदर। देखिए, ये अच्छे से रेडी हो चुका है। चलिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से डो बनाकर रेडी कर लेना है। हमें बिल्कुल टाइट डो बनाकर रेडी कर लेना है, हमें सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। देखिए, हमारा डो रेडी हो चुका है। अगर हम सॉफ्ट डो बनाएंगे तो हमारी पफ पेटी सही नहीं बनेंगी। अब इसे ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए, मैंने आलू ले लिए हैं, मैंने 4 से 5 आलू ले लिए हैं, और इसे बॉईल कर लिया है और मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आज हम आलू के पफ पेटीज बनाएंगे, जो नॉर्मली सब आसानी से घर पर बना सकते हैं। चलिए, अब इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अमचूर का पाउडर आधा चम्मच, ये आधा चम्मच ही कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच ही धनिया, कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने ये। अब इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा, आप और भी सब्जी हैं वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए, हमारा मिक्स हो चुका है, ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे। देखिए, अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर हम रेडी कर लेंगे। देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब इसे हम बेल लेंगे, और हमें थोड़ा मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे। देखिए, मैंने बेल लिया है, देखिए इतना मोटा बेलना है हमें इसे। चलिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से, और स्क्वायर शेप दे देंगे इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप शेप की चाहें उस शेप की बना सकते हैं पेटीज। चलिए, अब इसके अंदर हम फिल कर देंगे आलू, और इसे अच्छे से कवर कर देंगे बिल्कुल, और अच्छे से दबा देंगे थोड़ा सा पानी लगाकर किनारों पर। अब हम चम्मच की मदद से इसे इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे इस तरीके से, और देखिए ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए, ये बनकर रेडी हो चुकी है, और हमें अच्छे से फिल करना है, और हमें किनारों को अच्छे से दबाना है, वरना हमारी पेटीज खुल जाएंगी। इसी तरीके से हम दूसरी कर लेंगे और अच्छे से इसे कवर कर देंगे। चलिए, ये भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी रेडी कर ली है बनाकर। चलिए, अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ये मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है, और इसे मैंने गरम कर लिया है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है, और बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम ये पफ पेटीज नहीं डालेंगे। हल्का सा तेल गरम होगा जब इसके अंदर ऐड करेंगे, और हम ही लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से पकाएंगे। जब इनमें हल्का सा कलर आ जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और देखिए, ये कलर जब आ जाएगा ब्राउन सा, तो इसको हम निकाल लेंगे, और ये पफ पेटीज बनकर रेडी हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।